हाय गाइस, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंड इवनिंग के टाइम पे ये वीडियो आई है। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर बैठे होंगे एंड उदास होंगे, अपसेट होंगे रिलेटेड टू पार्टनर कपल या फिर रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम या फिर सेल्फ लव का प्रॉब्लम या फिर मेंटल एग्जॉस्ट होंगे या फिर पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस होगा, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस होगा एंड अपनी टोन को भी आप देख रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे अपनी बॉडी से। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे चलना है। ऐसा मैं भी करती थी 6 साल पहले, बट अब मैं ऐसा नहीं करती। मैं रेडी हुई हूँ बहुत अच्छे से। मैं मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड मैं अभी लंच पे जा रही हूँ डेट पे। अब मेरे पास तो कोई है नहीं डेट पे जाने के लिए, सो मैं अपनी आंटी के साथ जा रही हूँ डेट पे। सो जो पिक्चर्स है मैंने इंस्टाग्राम पे डालूंगी, सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आ जाओ वहाँ पे, थोड़ा सा मस्ती करते हैं। नाउ पॉइंट इज वैलेंटाइंस। मेरे लिए वैलेंटाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ पे ना ये फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, अंग्रेजी वाले फेस्टिवल्स, इनको बहुत अच्छे से मनाते हैं। सो मैं बचपन से ही बड़ी रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी रही हूँ, बट धीरे 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 चीज़ें ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा मेरे में चेंजेस आया, बट इनर मी स्टिल बहुत रोमांटिक है। नाउ पॉइंट इज कि मैंने कुछ कुछ बेसिक स्टेप किए। मैंने जिनको भी मैं बहुत अच्छा मानती हूँ अपनी लाइफ में, मैंने उनके लिए थोड़े थोड़े फ्लावर्स भेजे एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ खुश होके अच्छे से मनाया जा सके ये त्यौहार। बट आप लोग अगर घर पे बैठे हो, उदास हो, निराश हो, ठीक फील नहीं कर रहे, बुरा फील कर रहे हो, ये वीडियो देखो, ये आप लोगों के लिए। नाउ एक सर्टेन एज पे इंसान ना गिव अप कर देता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा। आपकी जो बॉडी है वो आपको तब अच्छा दिखाएगी, तब अच्छी स्किन होगी, तब अच्छे बाल होंगे जब आप अपनी बॉडी को लव देंगे। आप अपने मूड, अपने हॉर्मोन्स, अपनी कंफर्टेबल, अपनी लाइक टाइम टेबल के हिसाब से आप अपनी बॉडी को लव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास खाना बनाने का टाइम नहीं है तो मैं कुछ और खा लेती हूँ। मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है तो मैं ये कर लेती हूँ। आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मैं ये खा लेती हूँ। कल मेरी लड़ाई हो गई तो मैं ये खा लेती हूँ। आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये कर लेती हूँ। अभी मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद जब मैं फ्री होंगी तब मैं डाइट करूँगी, तो फिर मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग जंक टू। सो ये सारे ना एक्सक्यूजेज होते हैं, तो विच मीन्स बॉडी ये समझती है कि आप उसको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से प्यार देते हो। और जब आपको बॉडी की ज़रूरत होती है, किसी फंक्शन पे जाना है, आपको अच्छा दिखना, आपको पतली कमर भी चाहिए, आपको ग्लॉसी स्किन भी चाहिए, बाल भी चाहिए, तब आप बॉडी आपका साथ नहीं देती है। सो ये गिव एंड टेक वाला लव होता है। आप अपने माइंड को स्टेबल रखो, आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस रखो, मेंटली खुश रहो एंड टू बी ऑनेस्ट चीज़ें वर्क करेंगी। सबसे बेस्ट चीज़ होती है खुश रहने की, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो, निल कर दो फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। एंड अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, अगर आप अपनी चीज़ों का खुद से ख्याल रखना चालू कर देते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन वैसे ही खत्म हो जाती है। आज मैं बात करूंगी आपके सामने नीलम जी की। नीलम जी मुझे बड़ा पुश करती है, मोटिवेट करती हैं, वो मुझे हैप्पी रखने के मेरा एक रीज़न सा बन गया। जब मैं उनसे मिली थी और आज जिस तरीके की पर्सनैलिटी वो हैं, शी इज़ लाइक वेरी मोटिवेटेड। वन डे वन मील उनका मिस नहीं हुआ है पिक्चर्स भेजने में, जब से उन्होंने मेरा बैच ज्वाइन करा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर एक पॉइंट पे चेक करने में डिले हो जाऊं, उनकी मील का पिक्चर कभी डिले नहीं होता मेरे पास। मतलब वो वर्किंग है, वो घर भी संभालती हैं, वो चीज़ें भी करती हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी भी बहुत उनके अंदर बहुत अच्छे से, वो क्रिएटिव पर्सन है, स्टिल वो अपनी चीज़ों का काम मतलब टाइम निकालती हैं। इतना सा बंदा, इतना होना और उसके बाद उसको मैनेज करना, मेंटेन करना एक अपने आप में टास्क है। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग नीलम जी को सुनो, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। कौन कहता है 40 से ऊपर की महिलाएं वजन कम नहीं कर सकती? क्या उनके लिए स्पेशल डाइट प्लान होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो आप 50 में भी 25 के दिख सकते हैं, दिल से भी और शरीर से भी। और अगर आप चाहें तो आप 25 में भी 50 के दिख सकती हैं। डिपेंड ऑन योर माइंड स्टेट, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं 45 इयर्स की हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पढ़े हुए हैं कि 45 प्लस लेडीज के लिए आप डाइट प्लान बताएं, 40 की महिलाओं के लिए डाइट प्लान बनाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ नीलम सैनी, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। लाइफ इजी मेरी भी नहीं है, डेली रूटीन हर आदमी का बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जब हम यहाँ से और अपने दिल में कुछ ठान लेते हैं, कुछ करने का जज्बा जब हम में आ जाता है, तो कोई भी हर्डल हमारी लाइफ में नहीं आती है। तो चले मेरे साथ, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या मैंने खोया, क्या क्या मैंने पाया,
मेरी इस जर्नी के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा नाम नीलम सैनी है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ और प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ। हॉबी में मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, जो कि एक क्रोशेटिंग से रिलेटेड है तो दूसरा हमारी यहाँ हिमाचली बोली पे है। मेरा मानना है कि हमें अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना चाहिए ताकि हम फ्रेश हो सकें। तो जो क्रोशेटिंग वाला मेरा चैनल है उसमें लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस हैं, बेडशीट्स हैं और बहुत सारे शॉल्स के डिज़ाइन हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, बहुत सारा कुछ जो भी मेरी क्रिएशंस हैं। और जो नीलूरी गला है उसमें मैंने हिमाचली बोली को एनहांस किया हुआ है, अपने जो हमारा डायलेक्ट होता है उसको, और सिखाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमें अपने कल्चरल हेरिटेज को संजोना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रही हूँ अभी और करती रहूँगी। तो देखिए, लाइफ इजी किसी की नहीं होती है, लाइफ में बहुत सारा कुछ चलता रहता है। तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको अपना थोड़ा फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड हैं। 25 ईयर्स मेरी शादी को हो चुके हैं, 45 ईयर्स की मैं हूँ खुद और बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो रिसेंटली मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं। तो वेट लॉस करने की बात पे अगर आएँ तो जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था एट दैट टाइम आई वॉज 117 kg और अब मैं 75 kg हूँ। तो मेरी वेट लॉस जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कभी फैमिली से या कभी बच्चों से या कभी सोसाइटी से कभी ये सुनने को नहीं मिला कि बहुत मोटी है, वेट रिड्यूस करो। नो, ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली को मैं तब भी पसंद थी, मैं आज भी पसंद हूँ, उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन इस मोटापे की वजह से प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आई कांट। अगर मेरा वही रेशो वेट बढ़ने की रहती, वही चीज़ें रहती, तो शायद ही आज मैं आप लोगों के सामने बैठी होती और शायद ही मैं इतनी एनर्जेटिक होकर बात कर पाती आप लोगों के सामने। तो मैंने सिर्फ ये क्यों सोचा कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, मैंने ये सिर्फ अपने सेल्फ लव के लिए और अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए ये स्टेप लिया कि मुझे अपने आप को पहले क्योर करना है ताकि आगे मैं अपनी फैमिली की केयर कर सकूं, उनके लिए जी सकूं, उनके लिए स्वस्थ रह सकूं। तो इसलिए मैंने वेट रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट समझा और मैंने किया भी। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा वेट रिड्यूस कर पाऊँगी। चलिए, तो अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की कि मुझे क्यों लगा कि मुझे वेट रिड्यूस करना चाहिए। देखिए, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो नहीं थी। बीमारियों में आप नोट डाउन करना इन चीज़ों को, बीमारियों में मुझे सबसे पहले वाटर रिटेंशन, मेजर प्रॉब्लम, वो सिर्फ सुमन ने डायग्नोज किया है, मुझे नहीं था पता कि मुझे वाटर रिटेंशन है। ये हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, पाइल्स, गैस्ट्रिक, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, ESR लेवल बढ़ा हुआ था, स्पॉन्डेलाइटिस बहुत ज़्यादा था, डाइजेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी और मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, मुझे एंटासिड डेली लेना पड़ता था। और जो मेरे ये 9 प्रॉब्लम्स हुई जो मैंने काउंट की अभी तक। और मोटापा अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है, सभी जानते हैं हम। और MR हर टाइम मुझे अपने साथ कैरी करना पड़ती थी क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी एक चला ही रहता था। हर तीसरे दिन हॉस्पिटल, हर तीसरे दिन स्कूल से छुट्टी, हर तीसरे दिन बेड पे, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम उजागर हो जाती थी। ESR लेवल मेरा लास्ट में बढ़ा है जब मतलब मैंने वेट रिड्यूस करने की फिर सोची, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और एक प्रॉब्लम और डिस्क प्रॉब्लम भी, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि डिस्क ओवरवेट से भी होती है मे बी, और वैसे भी पता नहीं, और बहुत सारे रीजंस रहते होंगे। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ मैं सरवाइव कर रही थी और बुरी हालत थी। भगवान की तरह मेरी ज़िंदगी में आई मेरी कज़न धीरजा। मैं इस वीडियो के माध्यम से उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि बोलते हैं सबसे पहले हमें मार्गदर्शक चाहिए जो हमें गाइड कर सके।
मैं रोई उस लड़की के पास. एक्चुअली उसने अपना भी बहुत सारा वेट रिड्यूस किया है. चलो उसने और चीजें अडॉप्ट करके किया होगा, जैसे भी उसने किया होगा, खुद सुमन की वीडियोस देख के उसने वेट रिड्यूस किया. तो उसने मुझे पहले गाइड किया कि दी आप एक्सरसाइज कर सकते हो. तो मैं थोड़ा झेंप गई कि एक्सरसाइजेस नहीं हो पाना था मुझसे. 117 केजी वेट के साथ तुम्हारे पाँव इतने मोटे मोटे, तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ बिल्कुल, हाथ सूजे हुए, पूरी बॉडी में तुम्हारे स्वेलिंग, पॉसिबल ही नहीं था. मैंने उसे मना कर दिया कि शायद ही हो पाएगा मुझसे. फिर उसने मुझे बोला कि दीदी डाइट कर सकते हो. डाइट से हम सभी का मानना है कि भूखे रहना. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता था ज़्यादा कुछ, तो मैं खाती नहीं थी ज़्यादा कुछ. तो मैंने उसे कह दिया कि हाँ डाइट मैं कर लूँगी, जितनी मर्जी स्ट्रिक्ट कर लूँगी मैंने कहा, पर अब बहुत हो गया है मुझे, मैं दुखी हो गई हूँ. तो उसने मुझे सुमन की वीडियोस भेजी कि दीदी ये एक यूट्यूबर है, आप इसकी वीडियोस देखो. सच्ची बात बोलूँ, वीडियोस देखी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सारी वीडियोस देखी. क्या बंदी, डर लगा यार बहुत ज़्यादा. हालांकि मेरे से छोटी है, बट इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतना डिसिप्लिन, अच्छा भी लगा. बट क्योंकि वो वाइब्स मैच हो रही थी मेरी उसके साथ, क्योंकि मैं ऐसे हंस रही हूँ, हाँ बहुत अच्छी हूँ ऐसे अपने आप ही बोल रही हूँ, लेकिन डिसिप्लिन पसंद हूँ बहुत ज़्यादा. तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ. फिर साथ में देखिए हैं तो ह्यूमन बींग, ये डर भी कि पता नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे कम यकीन करते हैं, ये लगा कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैसे दे दूँ. और पैसों का अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं था कि नहीं जी मेरे तो लाखों चले जाएंगे, बट वो डर मन में कि पता नहीं फैमिली में क्या बोल देंगे कि पैसे गवा दिए, पता नहीं डाइट आएगा, एक बंदी ऑनलाइन कैसे मेरा वेट रिड्यूस करेगी, बहुत सारे क्वेश्चन. बिकॉज वी ऑल आर कॉमन मैन, हम सभी कॉमन पीपल हैं, हम नहीं कर सकते ना किसी पे यकीन, वो चाहे कोई भी हो. लेकिन एनी हाउ मैं इस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो गई. मेरे लिए मुझे रिस्क लगा एक्चुअली, ये मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये रिस्की है, मुझे रिस्क लगा. मतलब मैं आपके साथ अपने व्यू शेयर कर रही हूँ कि इमीडिएटली मैंने भी विश्वास नहीं किया, आप सब में से भी नहीं करते होंगे. सुमन से बात हुई, डर भी रही थी, उसकी टीम से पहले बात हुई, उनकी टीम से मेरी, तो उन्होंने जो जो चीज़ें बोली कि मैम आपको कॉल करेंगे विद इन 1 वीक. तो शायद मैं बहुत लकी थी क्योंकि मैंने उनके यूट्यूब पे सुना हुआ है उनसे ही कि हज़ारों मेल्स जो हैं पेंडिंग पड़ी होती हैं, लेकिन आई वॉज लकी एट दैट टाइम कि मुझे बैच मिल गया. मैंने अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स मुझसे पूछी, कुछ डूज एंड डोंट्स उन्होंने मुझे बताए और मैंने एडमिट भी किए. मैंने अपनी चीज़ें बता दी कि सुमन मैं सिर्फ प्योर वेजिटेरियन हूँ और एक एग नहीं खाती हूँ और मलाई नहीं खाती हूँ, बाकी तुम जो बोलोगी आई एम रेडी. देखिए उनके लिए भी मैं एक क्लाइंट थी, एक पेशेंट थी, तो मतलब एक बॉन्ड बढ़ने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ का. तो उन्होंने मुझे 4 दिन का डाइट भेजा था पहले, मैंने स्टार्ट कर दिया और मतलब डाइट में जो मॉर्निंग का जूस था मेरा सबसे पहले, उसमें आया मुझे करेला और पालक का जूस. तो करेला वेरी हॉरिबल. तो 2 दिन जब मैंने पिया तो मैंने धीरजा को कॉल किया, मैंने कहा धीरजा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कहा बहुत कड़वा है ये जूस यार. और वो लड़की थी कि दीदी नहीं मैं भी पी रही हूँ आपके लिए, आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, मैं भी पी रही हूँ. उसने मुझे मोटिवेट किया और साथ में मैंने भी सोचा, एक्चुअली मेरे पापा को शुगर है तो वो जनरली डेली रूटीन में दूसरे तीसरे दिन करेले का जूस लेते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं था कि जब मेरे पापा पी सकते हैं व्हाई नॉट मी. तो मैंने पी लिया वो, ठीक है. उस दिन से लेके आज तक मुझे कभी भी किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है. जो जो मुझे सुमन ने बताया था मैंने वैसे वैसे ही किया. अब बात करते हैं ये जो मेरी डाइट की जर्नी चली, तो डाइट की जो जर्नी मेरी चली बहुत अच्छी रही. पहले जो खाना खाती थी, एक चपाती सुबह दूध के साथ, 3 स्कूल में, रात को दाल चावल,
ये हमारे पास तो रात का ही टाइम होता है, एक ही टाइम तो खाना खाते हैं सारी फैमिली इकट्ठा होके, जनरली सभी घरों में ये होता है। तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ ज़्यादा भाई। फिर जब सुमन से बात हुई, जब मेरा ये डाइट चला, तो दिमाग में तो वही माइंडसेट था कि डाइट का मतलब है भूखे रहना। बट नहीं भैया, वहाँ तो भांति भांति के पकवान जो शायद ही मैं ज़िंदगी में कभी खाती, हम जनरली नहीं खाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो बाज़ार में नहीं मिलती थी। हाँ, हम मतलब जहाँ रहते हैं सीजन्स का काफ़ी फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। तो जैसे कीनुआ मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा कई बार, मैक्सिमम टाइम वो यहाँ खुला अवेलेबल नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें जैसे रेनी सीज़न में ही आती थी यहाँ पे, हमारे ब्रोकली वो नहीं मिली, कई बार मुझे गाजर नहीं मिली। तो सुमन मैम के पास इसका अल्टरनेट होता था, वो गाइड कर देती थी कि अच्छा ये अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू टेक दिस थिंग, तुम ये चीज़ ले सकते हो। तो कभी दिक्कत नहीं आई मुझे। हाँ, बट जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, और मैंने कभी भी उस लेडी से शिकायत नहीं की कि सुमन मेरी पार्टी है, मेरे ये है, मेरा वो है, नेवर। क्योंकि देखिए, काम तो मेरा है, वो मैं सुमन के लिए थोड़ी ना वेट रिड्यूस कर रही थी, अपने लिए कर रही हूँ ना। वो तो मेरी गाइडर है, वो तो मेरा जो जीवन रूपी रथ है उसको चलाने वाली कृष्णा है वो। वो मतलब चलो उन्होंने मुझे मना किया है अपने बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं उनकी तारीफ या बुराई करने यहाँ नहीं आई हूँ, या मतलब मैं बटरिंग कर रही हूँ, नो। मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी जो एक्चुअल में हैं। तो कभी क्रेविंग हो जाती है, हाँ होती है, सभी को होती है, मुझे भी होती थी, इवनिंग टाइम में ज़्यादा होती है। तो उस क्रेविंग के टाइम में देखिए मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया है। मैंने मोटिवेट किया है कि हर औरत अपने घर की कैटरीना कैफ है, हर औरत अपने घर की दीपिका पादुकोण है, हर औरत अपने घर की हीरोइन होती है, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की। तो मैंने जनरली कभी कभी ना, हम वो देखती थी, मैं कपिल शर्मा का शो देखती थी, तो या कोई और इंटरव्यू किसी भी हीरोइन की देखती थी, वो बड़े स्टाइल से छोटा सा पीस उठाएंगी, बड़े स्टाइल से छोटा सा पीस, छोटे से छोटा केक का मुँह में डालेंगी, और पता नहीं खाती हैं कि नहीं, कि फेंक देती हैं, वो नहीं मुझे पता। लेकिन मैं जब जब भी मुझे क्रेविंग होती, या मैं डिमोटिवेट तो देखो नहीं हुई हूँ, ना ही मैं बोलूँगी इस चीज़ को, तो मुझे ये लगता था कि नीलू देख, मेरा एक्चुअली निक नेम नीलू है, कि देख जब ये हीरोइंस, ये हीरो, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी ये अपने डाइटिशियन के बिना पूछे इतनी कर चीज़ नहीं खा सकते, तो भाई तू थोड़ी ना किसी से कम है। नहीं है, हाई मेंटेनेंस है, क्यों सोच रही है अपने को किसी से कम। तू भी बन जाना उनकी तरह, लोग खा रहे हैं, लेट देम ईट, खाने दो उनको, तू नहीं खा सकती ना, बिकॉज यू आर स्पेशल, फील डियर फ्रेंड्स स्पेशल। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, अपने आप में फील कीजिए कि हम स्पेशल हैं। यही वो चीज़ें होती हैं। क्रेविंग हो जाती थी मुझे भी कई बार मीठे की, सुमन को नहीं बताया है, एक दो बार मैंने, हाँ बता देती थी मैं, बट ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं बताया है। कई बार शक्कर वाली चाय पी ली शाम को, और कई बार बहुत ही मन हो जाता था ना मीठा खाने का, तो आधा सा खजूर, आधा सा, और कई बार तो ऐसा भी किया है कि उसको बाइट कर लिया फिर थूक दिया, क्योंकि वो क्रेविंग शांत हो जाती थी मुंह की, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। क्योंकि ये भी तो ध्यान रखना होता था कि अगले दिन जब वेइंग मशीन पे खड़ेंगे तो भैया फ़र्क तो आ जाएगा। और अगर हम ऐसा सोचें कि हम जरा सा ये खा लें, जरा सा वो खा लें, ये खा लें, इससे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मत इस गलत फहमी में रहना, बहुत कुछ होता है, ग्राम्स में बढ़ते हैं, ग्राम्स में ही घटते हैं। तो मेरा जो डेली का वेट भेजने का था, डेली का डाइट भेजने का था मेरा, मैं सुबह ही, मतलब मेरा रूटीन है, मैंने 5:15 का अलार्म रखा होता है, मतलब मैं कुकिंग कैसे करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त। तो मैंने 5:15 का अलार्म रखा होता है, उठते ही मेरा रूटीन है सबसे पहले वेट चेक करना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। ये नहीं है कि मैं कहीं आती जाती नहीं थी, चली जाती थी कभी चंडीगढ़, लेकिन मेरा चीज़ें नहीं हिलती हैं, नहीं हिलाती थी मैं उनको।
तो वेट किया, उसके बाद रात को ही मैं मतलब पिछली रात को ही पूरी प्रिपरेशन करके रखती थी कि ये सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना है, ये लंच में बनना है और डिनर का आके कर लेती थी। लेकिन लंच ब्रेकफास्ट मेरा अपना अलग, मेरे हस्बैंड का अलग, तो वो सारा कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती थी। तो मैंने मॉर्निंग में उठते ही पहले फटाफट ब्रेकफास्ट, अगर लंच रात को बनाने वाला हो जाता था तो रात को ही बना के फ्रिज में लगा देती थी जो चीज़ें बनाने वाली होती थी। कि हाँ, जैसे सुमन ने जिनको बोला होता था कि इन चीज़ों को हम रात को भी बना के रख सकते हैं, सिर्फ वही, बाकी हमेशा नहीं बनता, फ्रेश ही था हमेशा, क्योंकि न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने ज़्यादा किसी को बताई नहीं ये बात कि मैं वेट रिडक्शन जर्नी पे हूँ, वेट लॉस जर्नी पे हूँ, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, उतना दिमाग लगेगा, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए ठीक कहा है हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने, जो करना वो चुप होके कीजिए। देखिए, प्रॉब्लम्स सभी की ज़िंदगी में आती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ चली थी, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे कैसे कम हुई। 3-4 महीनों के बाद मुझे एक अटैक आता है और मुझे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया, और मेरी डॉक्टर ने मुझे मेरी जो रात की दवाई थी वो आधी कर दी कि आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है अब। उसके बाद चलो अच्छा लगा, सुमन से भी बात की कि ऐसे ऐसे हो गया है। उसके बाद 3-4 महीनों के बाद फिर से मुझे अटैक आता है, मतलब बीपी फ्लक्चुएशन का, और क्योंकि मेडिसिन तो मेरी चली हुई थी, कोई मेडिसिन मैंने अपनी मर्जी से बंद नहीं की हुई थी, तो फिर से डॉक्टर ने मेरी जो जितनी भी बीपी की दवाइयाँ थी कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ चुका है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इतनी खुशी। और मैंने जब ये स्टार्ट किया था, तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है 7th of September 2021 में। उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी मेडिसिन नहीं खाई, कोई एंटासिड नहीं खाया है। इतना अच्छा डाइजेशन, इतना शांत मेरा टमी। और मैंने इस वेट लॉस जर्नी में अपना, मैं जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो मैं 117 केजी था, मैंने पीछे भी आपको बताया, अब मैं 75 केजी पे हूँ। अब बात करते हैं वेट स्टक होने की, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होता है, उनको लगता है एक ही दिन में, एक ही महीने में, 2 महीनों में वेट उतर जाए। अरे भाई, वैसा थोड़ी ना होता है, हाथ पे जौ थोड़ी ना उगते हैं। लेकिन आप उगाने वाले चाहिए तो ज़रूर उगेंगे, मैंने उगाए हैं। क्योंकि मेरा जब मैंने 7th of September 2021 से जब स्टार्ट किया, तो मेरा पहले अच्छा वेट गया, मे बी आई वॉज लकी कि मेरा गया। मैंने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, बहुत बार फ्लक्चुएशन हुई वेट में, कई बार हाई हो जाना, मुझे नहीं पता होता था क्यों हो गया, कई बार डाउन होना, और कई बार बढ़ जाता था, कई बार घट जाता था, यही प्रोसेस चला रहा। आज घटा, कल बढ़ जाएगा, परसों स्टक हो जाएगा, चौथ को फिर गिरेगा, ये रेशो रही मेरे वेट गिरने की पिछले 4 महीनों से। आज मतलब अब जो है वो दिसंबर चला हुआ है ये, तो पिछले 4 महीनों से कैन यू इमेजिन मेरा वेट स्टक था। मैं 75 पे पहुंची, फिर उसके बाद फिर 76, फिर 77, फिर 76, फिर 77, मतलब 4 महीनों से। बट मैं इरिटेट नहीं हुई, सुमन मैम को ज़रूर लगा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं उतर रहा है, होगा भी भाई, वो डॉक्टर है मेरी, मेरे को असेस कर रही हैं। तो मुझे भी डर लगता था कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ खा नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ पी नहीं रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, मेरे लिए ये वेट लॉस जर्नी नहीं है, मेरे लिए ये लाइफस्टाइल है। मैंने इसको लाइफस्टाइल की तरह ऑप्ट किया है। मुझे कोई मैटर नहीं करता कि मेरा वेट गिर रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, भाई मैं फिट हो गई हूँ, बस दैट्स ऑल। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बढ़ रही हूँ कि घट रही हूँ। ये चीज़ मैं यहाँ स्ट्रेस देके इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं होता है। बी पेशेंट, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, पर तुम्हें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। मुझे आज के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आज तक किसी भी अपने सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में किसी से ये नहीं सुना कि मुझे पहले बीपी था अब मेरा बीपी की ओर है। बट मैं खुद अपने लिए ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वाटर रिटेंशन, नो स्वेलिंग, नो पाइल्स,
ESR level is okay, my gastric problem is okay, my blood pressure is okay, मुझे कोई body ache नहीं है, मेरा इतना बड़ा hump बना हुआ था यहाँ पे, इतना ऊंचा, मेरे channel पे जाके आप मेरी कोई video देखना, मैं मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मुंह था यहाँ तक ये, वहाँ सामने दिखता है बिल्कुल, और मतलब कोई मुझे अब spondylitis नहीं है, कोई body ache नहीं है, मेरी हर problem क्योर हो चुकी है, I repeat again कि मेरी हर प्रॉब्लम क्योर हो चुकी है, जो डिब्बा दवाइयों का मेरा बेड साइड में होता था वो अब नहीं है मेरे रूम में। मुझे भी ये सपना लगता था, हम लोग मेरे जो सराउंडिंग पीपल हैं वो मुझे यही कहते हैं कि हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे इतना वेट कम करते हुए लोगों को देखा है कि पता नहीं फेक होता होगा, ये कुछ नहीं होता ऐसे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए लाइव एग्जाम्पल हूँ। और मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जब कभी भी अपने वेट रिड्यूस करने की जर्नी पे आए, बी पेशेंट, मोटिवेटेड रहें, और ये जो बहाने होते हैं ना, मुझे ऑफिस है, मुझे घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, नो, यही बोला ना मैंने कि माइंड गेम है। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं, जीभ से स्ट्रांग हैं और दिल से स्ट्रांग हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी देर सुना, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोरोना से भी बच के रहिए। नमस्कार, वेलकम बैक। सो अब हम बात करते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक रहना, ना आप अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हो, आप अपने आप का कितना ध्यान रखते हो, आप मेंटली कितने पक्के हो, आप बाहर जा रहे हो तो क्या खा रहे हो, आप घर में हो तो कैसे कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का कितना ख्याल रखते हो, आप दूसरों से एक्सपेक्ट कितना करते हो, आपको कितनी मेंटल में ये रहता पीछे कि मेरा कोई करेगा या मेरी कोई करेगा, समझ रहे हो, सब चीज़ें टाइम पास है। आपको अपने लिए इतना सेल्फ सफिशिएंट होना है कि आपको जो चाहिए आप खुद से कर सको, आपका फ्यूचर आपका है, कोई थर्ड पार्टी आके आपको सिक्योर नहीं करेगा, आपको खुद से अपने आप को सिक्योर करना है। मैं अगर एक कुछ बुक लिखूं कि मैंने कैसे कैसे मुद्दे और केसेस एंड फीमेल्स के हैंडल करे हैं अपने 7 ईयर्स की जर्नी में, जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ क्लाइंट्स की, पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन बुक्स के अंदर पार्ट ऑफ दी थिंग्स की, मैं नाम मेंशन नहीं करती कभी भी, बट मेरे को मेंशन करनी है चीज़ें कुछ ना कुछ। लोग बहुत सिली एक्सक्यूजेस की वजह से अपना डाइट क्विट करते हैं, खाना ना बना पाए, ईजिएस्ट ऑप्शन दे दो, कुकिंग नहीं करनी, या फिर बहुत सारी चीज़ें, बट ऐसे लोग मतलब ठीक नहीं लगते मुझे। बट आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने बॉडी को ठीक करना चाहते हो, आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो, फिट करना चाहते हो, सो आपके लिए ना बेसिक यूट्यूब की इंफॉर्मेशन भी काफ़ी हैं, आंटी अनलेस आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सो या दैट्स इट। एंड जिन जिन लोगों ने 499 वाला प्लान लिया था, आई नो आप लोग बहुत सारे लोग जिनको फर्दर आगे कंटिन्यू करना है सेम चीज़, गिव अस 10 डेज का टाइम, और उसके बाद ये चीज़ हम बहुत अच्छे से मंथली सब्सक्रिप्शन में चेंज करेंगे, या कुछ चेंजेस ऐसा लाएंगे कि आप लोगों को मतलब बहुत सिंपल हो जाएगी चीज़ें। सो या दैट्स इट, आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और मैं जा रही हूँ डेट पे, मेरी आंटी दे रही हैं, वो कैब में बैठ चुकी हैं। सो या टेक केयर, बाय बाय, एंड सच बताऊँ तो आई रियली लव यू ऑल, आई रियली 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 लव यू ईच एंड एवरी मेम्बर। मेरे 8-8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मैंने आज तक सब्सक्राइबर के लिए नहीं बोला आपको कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बट स्टिल मेरे को इतना टच होता है, मेरे कुछ कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते चल जाते हैं, मेरे को इतना टच फील होता है कि यार मेरे बिना बोले आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, एंड दिस इज़ रियली मेल्ट माई हार्ट। एंड मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ गॉड को कि कुछ है या नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है मेरे पास ना, मेरी पूरी फैक्ट फैब की फैमिली, थैंक यू सो सो मच, एंड आई रियली लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट, लव, केयर, बहुत सारी चीज़ें मैं कॉमेंट्स बहुत सारे पढ़ती रहती हूँ, एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।